वापस आ गई हमारी सरीना, हेटर्स तुम्हारी भी जलीना, तेरी भी जलीना। सो सरीना को देखकर ही यार हम सब लोग पागल हो गए, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आए, उन्हीं का आज मैं आप सभी को आंसर देने वाला हूँ। जैसे कि सरीना के फ्लैशबैक में एस केचम क्यों नहीं था, और सरीना क्या अभी भी एस केचम से मोहब्बत टूरू लव इश्क वाला लव करती है या फिर नहीं, क्या सरीना वापस आएगी आने वाले समय में, इसका आंसर शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। हाँ वापस आएगी, एक एपिसोड के लिए नहीं, दो एपिसोड के लिए नहीं, लगभग तीन या फिर चार एपिसोड में सरीना आने वाली है। फ्यूचर में मेरे पास प्रूफ है, बताऊंगा आप सभी को। और सरीना ने इसको देखकर ब्लश क्यों नहीं किया, जनरेशन 9 में क्या सरीना इसके साथ ट्रैवल करेगी या फिर नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन है तो सबके आंसर बताऊंगा। लेकिन यार 100% मैंने करेक्ट न्यूज बताई तो आप सबको भी 100% सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। सरीना के फैन हो तो सब्सक्राइब कर दो, चैलेंज है। और एक और चैलेंज है कि 10K लाइक तो करना ही है। देखते हैं सरीना के फैंस सिर्फ और सिर्फ कहने के लिए पावरफुल है या फिर 10K लाइक करके भी दिखाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सरीना के फ्लैशबैक में एस केचम क्यों नहीं था, तो इसका आंसर है कि सरीना जो अपना फ्लैशबैक बता रही थी उसमें वो ये बता रही थी कि किस तरीके से ईवी और मैंने साथ में ट्रेनिंग की पोकेमोन कॉन्टेस्ट में। पहले हमको कुछ नहीं आता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे ट्रेनिंग करते करते हम लोग पावरफुल बन गए, तो इसमें एस केचम का क्या काम, सोचो ना। तो फिर भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि एक फ्लैशबैक में एस केचम को दिखा देते तो क्या जाता। तो देखो पोकेमोन वाले हमको सस्पेंस में रखना चाहते थे कि देखो सरीना भूल गई है एस केचम को, लेकिन एंड में आते आते हम सबको शोक लगा क्योंकि सरीना को एस केचम याद था। तो इस सस्पेंस के कारण सरीना के फ्लैशबैक में एस को नहीं दिखाया। फिर बात करते हैं सरीना के बचपन के प्यार के बारे में, इश्क वाले लव के बारे में, क्या वो एस केचम से अभी भी प्यार करती है। तो यार इसका आंसर मैं सरीना नहीं हूं कि मैं दे पाऊंगा, क्या सरीना एस केचम से अभी भी प्यार करती है या फिर नहीं करती, ये सरीना के अंदर की फीलिंग है जो कि वो ही जानती है। लेकिन फिर भी सरीना को जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने देखा है, वो कुछ ना कुछ तो एस केचम से बोलना चाहती थी, लेकिन एस केचम की शिप जो है चली गई थी, दैट्स व्हाई सरीना अपनी मन की बात नहीं बोल पाई। और सेल्वियन भी थोड़ी बहुत उदास थी सरीना को लेके, मतलब कुछ तो लफड़ा चल रहा है लेकिन हमको दिखाया नहीं जा रहा है। तो प्यार करती या फिर नहीं करती वो टोटली डिपेंड करता है पोकेमोन के राइटर्स पर। फिर बात करते हैं क्या सरीना अगेन रिटर्न करेगी जर्नीज में, तो इसका आंसर है यस, वो रिटर्न करेगी। कौन से एपिसोड में करेगी वो मैं आपको बता ही देता हूँ। सरीना रिटर्न करेगी पोकेमोन वेलेस कप में, अभी तक वेलेस कप पूरा नहीं हुआ है, फिनाले बाकी है, जिसमें सरीना वापस आएगी, कोहरू को भी थोड़ी बहुत वापस से ट्रेनिंग देगी और खुद वेलेस कप में हिस्सा लेगी। मे बी पॉसिबली है कि वो जीत जाए और सरीना के अपोजिशन में मे और डोन भी आने वाली है। डोन तो 100% कंफर्म है, मे अभी तक कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन मे बी कंफर्म हो ही जाएगी। तो हाँ सरीना कौन से एपिसोड में आएगी ये मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन यहाँ पे यार वो एस केचम से मिलेगी, लेकिन एस केचम वो इनके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं होगा, बातें करेंगे, लेकिन फोकस वाला एपिसोड भी आएगा। कब आएगा वो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा, बने रहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपका सबसे बड़ा डाउट क्लियर कर देता हूँ कि सरीना का रिबन का क्या हुआ, सरीना का रिबन को क्यों नहीं दिखाया गया। आपने ये बात तो नोटिस की है ना, सरीना का रिबन था ही नहीं। लेकिन मैंने एक और बात नोटिस की कि सरीना के फ्लैशबैक में भी हमको रिबन को नहीं दिखाया गया, तो इसके पीछे काफ़ी बड़ा रहस्य है कि पोकेमोन वाले रिबन को एंड मौके पर बाहर निकालेंगे, क्योंकि जिस तरीके से एस केचम कभी कभी मिस्टी के दिया हुआ फिशिंग रोड का इस्तेमाल करता है, उसी तरीके से सरीना भी कभी कभी अपना वो रिबन बाहर निकालेगी एंडिंग में, ऐसा मुझे लग रहा है। और रही बात उसने रिबन को क्यों रिमूव किया, बिकॉज अब वो इंडिपेंडेंट बन चुकी है। जिस तरीके से डोन ने अपनी मदर का दिया हुआ रिबन को यार बाहर निकाल दिया था, उसी तरीके से सरीना ने एस के दिए हुए रिबन को बाहर निकाल दिया, समझ रहे हो ना, वो इंडिपेंडेंट बन चुकी है और वो मैच्योर बन चुकी है। अगर यार उसके आउटफिट में रिबन को दिखाते तो यार उसके आउटफिट कुछ ज़्यादा ही रंग बिरंगी बन जाती, जोकर जैसी बन जाती, बिकॉज उसमें ग्रे कलर था, रेड कलर था, व्हाइट कलर था और ब्लू कलर का रिबन भी आ जाता, तो मज़ा नहीं आता। और बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे थे, तो दोस्तों और लोगों का ये भी कहना है कि जब सरीना परफॉर्म कर रही थी उस टाइम सरीना के पैर में रिबन जो था वो एस केचम का था, लेकिन गौर से देखो वो रिबन एस वाला
वाला नहीं है, ये है पिंक कलर का रिबन, दोनों रिबन बिल्कुल अलग है। तो आपको पता चल ही गए होंगे कि ये रिबन जो है ऐसा नहीं है, रिबन से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगला जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि जनरेशन 9 में क्या सरीना इसके साथ ट्रैवल करेगी, बिकॉज फैंस अभी से डिमांड करना शुरू कर दिए हैं कि सरीना हमको चाहिए जनरेशन 9 में परमानेंटली। तो यार इसका आंसर सुनते ही आपको थोड़ा सा बुरा लग सकता है, भले ही पोकेमोन वाले आपकी सारी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं लेकिन ये वाली इच्छा वो कभी भी पूरी नहीं करेंगे, बिकॉज यार सरीना को वापस बुला लेंगे तो यार पोकेमोन एनिमे सीरीज का नयापन चला जाएगा और पुरानापन वापस आ जाएगा। हर एक रीजन में न्यू पोकेगर आएगी, ये पोकेमोन का रूल है। जनरेशन 9 भी आएगा एक किस्म के साथ या फिर ये कंफर्म नहीं है, चलो मान लेते हैं आएगा, पर उसमें सरीना नहीं होगी, कोई न्यू पोकेगर्ल्स होने वाली है, बता रहा हूँ मैं आप सभी को अभी से। तो ज़्यादा उम्मीदें मत रखना कि जनरेशन 9 में आपको सरीना देखने को मिलेगी, बट क्या पता पोकेमोन वाले हम फैंस के ऊपर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो जाए और सरीना को परमानेंटली वापस बुला दे, बट मेरे से पूछो तो नहीं आएगी। फिर अगला क्वेश्चन है क्यों सरीना ब्लश नहीं की एस को देखकर। तो यार इसका साफ साफ आंसर है सरीना मैच्योर बन चुकी है, आप भी थोड़ा सा मैच्योर बन जाओ, बिकॉज यार वो पहले वो सरीना जो है एस को अपना क्रश मानती थी, एक अट्रैक्शन थी, लेकिन अब शायद तक वो अट्रैक्शन ख़त्म हो चुकी है। अगर ऐसा नहीं है, अगर एस किस्म के साथ यार सरीना अभी भी वो दिल वाला कनेक्शन फील करती है, तो इसमें मैं गलती बताना चाहूँगा राइटर्स की कि राइटर्स वाले जो है ना चेंज है, केलोस के राइटर्स अलग थे, जर्नीस के राइटर्स मोस्ट प्रोबेबली अलग ही होंगे, तो राइटर्स चेंज थे, डैश वाई सरीना की फीलिंग को उन राइटर्स ने सही से शो नहीं किया। बट जैसा भी शो किया मैंने इसको काफ़ी अच्छी तरीके से माना है, बिकॉज जिस तरीके से एस और सरीना का एंड हुआ था ना वो प्रूव करता है सरीना के आने वाले समय में रिटर्न को प्रूव करता है, बिकॉज सरीना ने एंड में बोला था कि मैं बेस्ट परफॉर्मर बनना चाहती हूँ, तो उसके सपने को पूरा करने के लिए वो वेलेस कपों को जीतने वाली है डोन और मे को हरा कर। तो यस एंडिंग में सरीना ने इस बात को प्रूव कर दिया है कि वो आने वाले समय में एक बार फिर से वापस आएगी, ये तो एक बार वापस आएगी, दूसरी बार वो एंडिंग में वापस आएगी जब एस केचम जो है चैंपियनशिप में मुकाबला करेगा। एस केचम ने बोला है मुझे सपोर्ट करने जरूर से आना, तो सरीना सपोर्ट करने के लिए पक्का आएगी, और एस केचम ने किसी भी पोकेगर्ल को बोला नहीं है कि मुझे सपोर्ट करने के लिए आना, बट सरीना को बोला है, तो समझ जाओ सरीना कितनी स्पेशल है एस केचम के लिए भी और मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी और हम सबके लिए भी। और यार अगला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि सरीना का डेल्फॉक्स जो है इवोल्व क्यों हुआ, तो क्यों हुआ कैसे हुआ वो तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इसका आने वाले समय में काफी बड़ा रोल होने वाला है। तो देखो डेल्फॉक्स जो है स्टार्टर पोकेमोन है, केलोस का फुल्ली इवोल्व्ड है और सरीना का पोकेमोन है, ये सेम टू सेम बात आपको मे के साथ भी देखने को मिल जाएगी, उसका भी फायर टाइप स्टार्टर पोकेमोन ब्लेजिकेन है, वो भी फुल्ली इवोल्व्ड है, वो भी वेलेस कप में हिस्सा लेने वाली है, तो मे का ब्लेजिकेन वर्सेस डेल्फॉक्स का अपन को मुकाबला देखने को मिल सकता है, जिसको देखकर मजा आ जाएगा। मैं वर्सेस सरीना का मुकाबला मैं देखना चाहता हूँ, लेकिन डोन वर्सेस सरीना का मुकाबला भी देखने को मिल जाएगा तो मजा आ जाएगा। और अभी भी आप लोग मेरी बात है भरोसा नहीं कर रहे होंगे, मैंने यहाँ ग्रिंजा की न्यूज सरीना की न्यूज पूरी तरीके से कंफर्म दी है, लेकिन बात का तो आप लोग भरोसा करोगे नहीं, तो प्रूफ देता हूँ। हमने प्रीव्यू में क्रिसमस का माहौल था, मतलब विंटर का माहौल था, वो सही हमने डोन को देखा था, और उसी का एक पोस्टर आया था जिसमें हमने सेल्वियोन को भी देखा था, मतलब दोनों माहौल एक साथ है, मतलब डोन और सरीना तो पक्का मिलेगी, मैं अभी तक कंफर्म नहीं हुई है, मैं भी कंफर्म हो ही जाएगी पक्का, मतलब वेलेस कप में तीनों के तीनों बंदियां वापस आएगी, और फिनाले में एस किचम जब वर्ल्ड कोरोनेशन सीरीज में मुकाबला करेगा लियोन बियोन से, तब यार एस के सारे फ्रेंड जो भी रिटर्न आ रहे हैं लाइक ब्रोक हो गया, डोन हो गया, या फिर कैलमंट बोनी, मैं, डोन, सरीना, ये सब के सब वापस आएंगे एस को सपोर्ट करने, कोई ना बिया वगैरह भी आएंगे एस को सपोर्ट करेंगे, जितने भी कैरेक्टर्स वापस आ रहे हैं ना सब एस को सपोर्ट करेंगे, स्टेडियम में बैठकर एस का मुकाबला देखेंगे, देख लेना ऐसे ही होगा। और एक और बहुत ही बड़ी न्यूज़ मेरे पास आई है जिसको मैं आपको तभी बताऊंगा जब सारे के सारे सरीना के फैंस जो है ना इस वीडियो पे 10K लाइक कर देंगे, चैलेंज है, देखते हैं सरीना के फैंस में कितना दम है, अगर 10K लाइक नहीं हुए तो मैं मानूंगा कि सरीना के फैंस में दम नहीं है, तो सरीना के फैंस अपना दम दिखा दो एंड पोगी भी इसका आंसर दो।